ज्यामिति अंक गणित के साथ गणित की सबसे पुरानी शाखाओं में से एक है। ये अंतरिक्ष से संबंधित है, जैसे दूरी, आकार, आकार और आंकड़ों के सापेक्ष स्थिति से संबंधित है। पिछली कक्षाओं में हमने दो विम्य, तीन विम्य के विषयों के बारे में पढ़ा था। 11वीं कक्षा में भी हमने इसे कार्तीय तल तक सीमित रखा। 12वीं कक्षा में हम इसे सदिशों की सहायता से पढ़ेंगे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय द्विविम्य ज्यामिति पढ़ेंगे। ये इस अध्याय का पहला सत्र है। तो आज इस सत्र में हम रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, रेखा के दिक् कोसाइन में संबंध, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन, उन पर आधारित उदाहरण और प्रश्नावली पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात के बारे में जानें। ये आप चित्र देख सकते हैं और भली भांति जानते भी हैं। इसका मॉडल आपके सामने भी है। ये क्या दर्शा रहा है? इसके अंदर आपके पास x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष है, और ये हमारी, मान लेते हैं, ये सदिश रेखा L है जो कि मूल बिंदु O से गुजर रही है। आप जानते हैं, जो सदिश रेखा L है यदि मूल बिंदु O से गुजरे तो वे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से कुछ कोण बनाती है। मान लेते हैं वे अल्फा, बीटा और गामा बना रही है। इन कोण को हम क्या कहते हैं? इन कोण को हम दिक् कोण कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में डायरेक्शन एंगल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वे आपको दिशा प्रदान करते हैं। और यदि इन कोणों के हम क्या निकाल लें, कोसाइन निकाल लें, यानी कॉस अल्फा, कॉस गामा एंड कॉस बीटा, ये हम निकाल लें तो इन्हें हम दिक् कोसाइन कहते हैं। ठीक, आइए इन पर एक नोट देखें। इसके अंदर सबसे पहले बिंदु पे गौर करिए। L यानी जो रेखा है, L की दिशा विपरीत कर दें तो दिक् कोण संपूरकों में बदल जाते हैं। वे क्या बतला रहे हैं? यानी ये जो रेखा है इसको हम विपरीत कर दें, कुछ ऐसे मिलेगी हमें। विपरीत करने पर ये हमारा जो रेखा है x अक्ष से कितना कोण बना रहा था? अल्फा। तो यानी जो विपरीत करने पे जो हमारी रेखा आई है वह अक्ष से कितना कोण बनाएगी? वह बनाएगी पाई माइनस अल्फा। इसी प्रकार यही विपरीत करी हुई जो रेखा है वह y से पाई माइनस बीटा और z से पाई माइनस गामा का कोण बनाएगी। ठीक, तो इसे आप क्या देख सकते हैं? देखिए बिंदु दो पर अंतरिक्ष में दी गई रेखा को दो विपरीत दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, जो कि आपने अभी देखा। इसीलिए इसके दिक् कोसाइन दो समूह में हैं। ठीक, और वे क्या बता रहे हैं? दिक् कोसाइन के अद्वितीय समूह के लिए हमें ज्ञात रेखा को एक क्या लेना चाहिए? सदिश रेखा लेना चाहिए। ठीक, आइए अब तीसरे बिंदु की ओर। तीसरे बिंदु में क्या बताया है? एक रेखा के दिक् कोसाइन के समानुपाती संख्याओं को जो रेखा के दिक् अनुपात कहते हैं, दिक् अनुपात, जिसे आप अंग्रेजी में डायरेक्शन रेशोस के नाम से भी जानते हैं। समानुपाती यानी क्या कह सकते हैं हम इसे? यदि रेखा के दिक् कोसाइन कैसे हैं हमारे पास एल एम एन, वह दिक् अनुपात ए बी सी ये हो, तो इनमें संबंध कैसा होगा? हमारे पास शून्येतर लैम्डा। ठीक, लैम्डा यानी वे शून्य नहीं होगा। कैसा होगा? ए बराबर में लैम्डा एल, बी बराबर में लैम्डा एम और सी बराबर में लैम्डा एन। ठीक, अब चौथे बिंदु को देखें। दो समांतर रेखाओं के दिग अनुपात के समूह समान होते हैं, इसीलिए यदि अगर हमारी रेखा मूल बिंदु से
ना गुजरे तो? ऐसा भी तो हो सकता है कि वह मूल बिंदु से गुजर ही ना रही हो, तो उसके आप दिग अनुपात कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए अंतरिक्ष में दी गई रेखा यदि मूल बिंदु से नहीं गुजरती है तो इसके दिक कोसाइन को ज्ञात करने के लिए हम मूल बिंदु से दी गई एक समांतर रेखा खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के दिक अनुपात समान होते हैं। ठीक, आइए अब आगे देखें। आगे अब हम देखेंगे रेखा के दिक कोसाइन में संबंध, यानी यदि हमारे पास रेखा के दिक कोसाइन है तो उसमें संबंध क्या है। इस चित्र को गौर से देखिए, इसी पर आधारित ये हमारा मॉडल है। ये मॉडल बहुत सरल है, ये आप खुद भी बना सकते हैं। पानी पीने की जो स्ट्रॉ होती हैं, जो पाइप होती हैं, आप उनसे बना सकते हैं। अब गौर से देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक रेखा। तो यही हमारी एक रेखा है, आर एस। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? इस रेखा के दिक कोसाइन के अंदर संबंध। तो ये हमारी रेखा आर एस है, मान लेते हैं इसके दिक कोसाइन हमारे पास दिए हुए हैं एल, एम और एन। तो हमें पता है इसका समांतर एक हम मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा बना लेते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस चित्र में भी आपको दिख रही है। अब इस रेखा पर कोई भी स्विच यानी आर्बिट्ररी पॉइंट हम ले लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं, जो कि ये पी है, जिसके हमें निर्देशांक क्या लिए हैं? एक्स, वाई और जेड। ठीक, अब गौर करेंगे, यदि हम पी से एक लंब खींचें, किस पे? एक्स अक्ष पे, तो वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। यहाँ पे आपको साफ नहीं, पर आप यहाँ देखिए, अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ तो आपको साफ दिख रहा है। इस ये जो रेखा है, पी से हमने एक लंब खींचा है एक्स अक्ष पे। ठीक, हम जानते हैं ये जो रेखा है वह कितना कोण बना रही है एक्स अक्ष से? अल्फा। ये हमने माना है, एल क्या है हमारा? दिक कोसाइन, जो कि एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है? अल्फा। ठीक, तो यानी ये कोण कितना हुआ? अल्फा। ये लंब है तो हमें क्या मिल गया? समकोण त्रिभुज। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस अल्फा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, पी एक्स अक्ष पर लंब पी ए और ओपी, ओपी क्या है? ये, और ओपी की दूरी हमारी क्या है? ये हमारे स्थित सदिश के अनुसार इसकी दूरी आर रहेगी। तो कॉस अल्फा क्या हो गया? ओ ए बटे में ओपी, ओ ए बटे में ओपी, समकोण त्रिभुज है, ओ ए यानी आधार और ओपी कर्ण। ठीक, बेस क्या है? बाय में हाइपोटेन्यूज। वह हमारा एक्स बटे में आर आ गया। तो एक्स और आर में हमें एक संबंध मिला, वह क्या मिला? एक्स बराबर में एल आर। इसी प्रकार आप वाई और जेड में भी एक संबंध निकाल सकते हैं, वह क्या है? वह आपको मिलेगा वाई बराबर में एम आर, जेड बराबर में एन आर। ठीक है, अब क्या करें हम इन सब के? x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग, ये जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? r का वर्ग, और कोष्टक में l का वर्ग जमा y m का वर्ग जमा n का वर्ग। ठीक, याद करें, अगर हमारे पास कोई भी स्थित सदिश होता है तो उसका परिमाण क्या होता है? वह यही होता है, x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग बराबर में r का वर्ग। तो यदि हम इसके जगह r का वर्ग रख दें तो हमें एक संबंध मिल जाएगा, और वह केवल किस में मिलेगा? दिक कोसाइन में। तो हमें दिक कोसाइन में एक संबंध मिल गया, वह क्या मिला? यदि हम दिक कोसाइन के सबका वर्ग लें और उनका योग फल ले लें तो वह सदैव किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। ठीक, तो आइए इसी की सहायता से अब हम एक पांचवा बिंदु जो कि नोट में वह देखें। इसमें आप देखेंगे, मान लीजिए किसी एक रेखा के दिक अनुपात ए बी सी है और रेखा के दिक कोसाइन एल एम एन है, तब हम जानते हैं ये दोनों कैसे होते हैं? अभी देखा था हमने, समानुपाती। तो एल बटे ए बराबर एम बटे बी
बराबर एन बटे सी किसके बराबर होगा? के के। यह के कोई भी वास्तविक संख्या है यानी अचर है, ठीक। इसीलिए हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? एल बराबर ए के, एम बराबर बी के और एन बराबर सी के, ठीक। इसे हमने एक से अंकित किया है। अब अभी हमने देखा किसके अंदर? दिक कोसाइन के अंदर संबंध, वह क्या था? एल का वर्ग जमा एम का वर्ग जमा एन का वर्ग, वह किसके बराबर होगा? एक के, ठीक। तो यानी हम एक की सहायता से जो हमने अंकित किया था कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, वह क्या है? के का वर्ग कोष्टक में ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा सी का वर्ग बराबर में एक। इससे हमें क्या मिला? के का मान, और वह है जमा घटा एक बटे में वर्गमूल ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा सी का वर्ग। यानी इससे हमें क्या मिलता है? हम जो दिक कोसाइन है उसे दिक अनुपातों के रूप में यानी उसकी सहायता से लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वे क्या हैं? एल बराबर में जमा घटा दो समूह मिलेंगे, याद है किया था अभी, ए बटे में वर्गमूल ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा सी का वर्ग, एम बराबर जमा घटा बी बटे में वर्गमूल ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा सी का वर्ग, और एन किसके बराबर हुआ? प्लस माइनस यानी जमा और घटा दो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, सी बटे में वर्गमूल ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा सी का वर्ग, ठीक। इसे आप एक बहुत ही खास ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, यानी एक और अच्छा आपको जो नोट है वह मिल सकता है। वह क्या है? किसी रेखा के लिए यदि रेखा के दिग अनुपात ए बी सी हैं, तो ए के बी के और सी के, जहां के हमारा कोई भी वास्तविक संख्या है, कैसी संख्या? शून्येतर यानी वो शून्य नहीं हो, तो वह भी क्या होते हैं? दिग अनुपात होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? किसी एक रेखा के दिग अनुपातों की असंख्य समूह होता है यानी इनफाइनाइटली मेनी समूह होते हैं, ठीक। आइए अब आगे देखें, एक उदाहरण देखेंगे। यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। सरल है, हमें अक्षों के साथ क्या दिया हुआ है? कोण दिए हुए हैं, यानी अल्फा 90 डिग्री, बीटा 60 डिग्री और गामा 30 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है? दिक कोसाइन, यानी सिर्फ हमें कोसाइन निकालने हैं इसके। तो कोसाइन 90 डिग्री कितना होता है? शून्य। कॉस 60 डिग्री एक बटे दो और कॉस 30 डिग्री वर्गमूल तीन बटे में दो, ठीक। तो यानी ये हमारे दिक कोसाइन है किसके? जो हमारी रेखा अक्षों के साथ 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रही है। आइए अब दूसरा उदाहरण देखें। इस उदाहरण में हमें x, y और z अक्षों की दिक कोसाइन ज्ञात करनी है, यानी अक्षों की ही दिक कोसाइन क्या होगी वह देखनी है। गौर करें, ये हमारे अक्ष दिखा रहे हैं, ठीक। ये हमारा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम x अक्ष के दिक कोसाइन निकाल रहे हैं। तो हमें क्या देखना है कि x अक्ष से ही और बाकी सब से कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो x x अक्ष से ही कितने डिग्री का कोण बनाएगा? शून्य। तो यानी अल्फा क्या रहेगा इसके अंदर? शून्य डिग्री। x अक्ष y अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। और z अक्ष से यानी गामा, वह भी 90 डिग्री, ठीक। ये तो हम जानते ही हैं, यानी इनका कोसाइन निकालेंगे तो क्या ज्ञात होगा आपको कि जो x है उसके डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोसाइन वे क्या हैं? कॉस शून्य डिग्री एक,
कॉस 90 हम जानते हैं, अभी देखा शून्य, यानी एक्स अक्ष के दिक कोसाइन क्या हैं? 1 0 0। इसी प्रकार आप वाई अक्ष का ज्ञात कर सकते हैं, सरल है। वाई अक्ष का एक्स अक्ष के साथ कितना कोण रहेगा? 90, वाई के साथ ही 0 और जेड के साथ 90। तो इसी प्रकार आप वाई अक्ष और जेड अक्ष दोनों के दिक कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। तो वे क्या होंगे? दिक कोसाइन वाई अक्ष का वह रहेगा 0 1 और 0, और जेड अक्ष का वह क्या होगा? 0 0 और 1। ठीक, आइए अब आगे देखें। अब हम देखेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के दिक कोसाइन। अभी हमने क्या देखा था? हमने दिक कोसाइन ज्ञात करना सीखा था। यदि अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास दो बिंदु दी हुए हैं और उनके दिक कोसाइन हम कैसे निकालें, तो गौर करेंगे। हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 है और q के निर्देशांक x2, y2 और z2 हैं। ठीक, मान लीजिए कि रेखा जो कि आप इस चित्र में देख सकती हैं, ये रेखा PQ के दिक कोसाइन LMN है और ये XYZ अक्ष के साथ क्रमशः कितना कोण बना रहा है? अल्फा, बीटा, गामा। ठीक, जिसे हमने LMN का मान ज्ञात करना है, पर किस में? XYZ यानी निर्देशों के रूप में। ठीक, देखेंगे इसके अंदर हमने P से एक लंब खींचा है XY तल पे, R पर। ठीक, ऐसे ही Q से हमने एक लंब खींचा XY तल पर S, और P से हमने एक लंब खींचा QS पर जो कि N है। तो आपको कुछ ऐसा चित्र दिखेगा, यानी हमें क्या मिल रहा है? एक समकोण त्रिभुज। ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है? Z अक्ष। ठीक, और हम जानते हैं अभी हमने लिया जो PQ है वह Z अक्ष से कितना कोण बना रहा है? गामा। ठीक, और QN जो है वह इस Z अक्ष से क्या है? समांतर। तो यानी ये गामा कोण है, तो कोण PQN वह कितना होगा? वह भी गामा होगा। ठीक, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? कॉस गामा या हम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, P का हमारे पास निर्देशांक क्या दिए हुए हैं? X1, Y1, Z1 और Q के क्या दिए हुए हैं? X2, Y2, Z2। तो N के निर्देशांक क्या होंगे? दे सकते हैं निर्देशांक जो होते हैं Q, X2 और Y2 तो सेम ही है यानी समान है, बस जो ऊंचाई है वो बदली है, और वह कितनी है? जितनी P है। तो यानी यहाँ क्या है? Z1। ठीक, तो अब क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से cos गामा निकाल सकते हैं। cos गामा कितना होगा? NQ बटे में PQ। ठीक, आइए देखें अब हमें cos गामा क्या मिला। वह मिला NQ बटे में PQ, वह क्या था? Z2 माइनस Z1 बटे में PQ। हमने देखा ही है इसकी दूरी कैसे निकाल सकते हैं। वे क्या मिला? X2 माइनस X2 का पूर्ण वर्ग, Y2 माइनस Y2 का पूर्ण वर्ग, जमा Z2 माइनस Z1 का पूर्ण वर्ग। इसे हल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों तो हमारा शून्य हो गया, और हल करने पे हमें मिला Z2 माइनस Z1 बटे में PQ। इसी प्रकार आप कॉस अल्फा और कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं। तो हमें दिक कोसाइन क्या मिले यदि हमारे पास दो बिंदु हैं, तो वे हैं X2 माइनस X1 बटे में PQ, Y2 माइनस Y1 बटे में PQ, Z2 माइनस Z1 बटे में PQ, जहां PQ क्या है? वह है वर्गमूल में, देख सकते हैं, X2 माइनस X1 पूर्ण का वर्ग जमा Y2 माइनस Y1 पूर्ण का वर्ग जमा Z2 माइनस Z1
का पूर्ण का वर्ग। ठीक, इसके अंदर यदि हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं तो हम दिग अनुपात भी निकाल सकते हैं। वे कैसे निकालेंगे? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ठीक, आइए अब एक उदाहरण देखें। इसमें देखेंगे दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी संरेख हैं। संरेख यानी कोलिनियर ए की रेखा पर आ रही हैं। ए का निर्देशांक क्या दिए हैं? 2, 3, -4। बी का 1, -2 और 3 और सी के 3, 8 और -11। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? हम इनके दिग अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा के दिग अनुपात निकाल लेते हैं। अभी बताया वे क्या निकालेंगे? x2 - x1 यानी 1 - 2 - 2 - 3, 3 - 4। क्यों? क्योंकि यहाँ -4 है। तो हमारे ए और बी को मिलाने वाली रेखा के दिग अनुपात क्या हुए? -1, -5 और 7। ठीक, इसी प्रकार बी सी यानी बी और सी को मिलाने वाली रेखा के दिग अनुपात हमें क्या मिले? जैसे आपने पहले निकाला वे मिलेंगे 2, 10 और -14। गौर करें इन दोनों दिग अनुपातों को, क्या पाते हैं आप? बिल्कुल सही, ये दोनों समानुपाती हैं। ए बी और बी सी के दिग अनुपात समानुपाती हैं। गौर करेंगे यदि हम इस पहले वाले दिग अनुपात में -2 को गुणा कर दें तो हमें ये दूसरे वाले दिग अनुपात मिल जाएंगे। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है? ए बी और बी सी क्या हैं? समांतर हैं। पर बी जो है वह उभयनिष्ठ है और उभयनिष्ठ से होने से हमें क्या पता चला? ए बी और सी ये तीनों बिंदु हमारे संरेख हैं यानी एक ही रेखा पे आ रही हैं। ठीक, आइए अब आगे देखें प्रश्नावली। ये आपकी पुस्तिका में प्रश्नावली 11.1। पहले प्रश्न पे देखेंगे यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ क्रमशः कुछ कोण बनाती है तो इसके दिक् कोसाइन, जैसे हमने उदाहरण किया था इसी प्रकार आप इसे कर सकते हैं। चौथे प्रश्न को देखेंगे दर्शाइए कि बिंदु, ये हमारे पास तीन बिंदु हैं, ये कैसे हैं? संरेख हैं। अभी हमने एक उदाहरण देखा संरेख का, उसी प्रकार आप इसे कर सकते हैं। तो ये दो प्रश्न मैं आप पर छोड़ रही हूँ। तो आइए अब दूसरा प्रश्न देखें। एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों यानी अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। ये रहा हमारा प्रश्न, क्या दिया हुआ है? समान कोण बनाती है। तो मान लेते हैं जो रेखा है वह निर्देशांकों के साथ तीन कोण बना रही है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, और कैसे कोण बना रही है? समान यानी ये क्या है? बराबर है, यानी इनके जब कोण बराबर हैं तो कोसाइन भी बराबर होंगे। ठीक, तो यानी दिक् कोसाइन भी बराबर हो गए, कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। ठीक, अभी हमने संबंध पढ़ा है दिक् कोसाइन के बीच में, वे क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये क्या होता है? एक के बराबर। तो यानी हम इसके अंदर बीटा और कॉस गामा को कॉस अल्फा के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि वे क्या हैं? बराबर हैं। तो ये हमारे पास क्या मिला? 3 cos² α = 1। तो यानी कॉस अल्फा का मान आपको मिल जाएगा, वे क्या है? ±1/√3। ठीक, इसी प्रकार हमें क्या मिल गया? एक रेखा के दिक् कोसाइन जो कि समान कोण बना रही है निर्देशांकों के साथ। तो दिक् कोसाइन क्या मिले? ±1/√3, ±1/√3 और ±1/√3। ठीक, आइए अब दूसरा प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 3, यदि एक रेखा के दिग अनुपात -18, 12 और -4 है तो इसके दिग कोसाइन क्या होंगे? सरल है, फॉर्मूला भी आपके सामने है जो हमने ज्ञात किया था। हमारे पास दिग अनुपात है, दिग कोसाइन निकालना है यानी ए बी सी के मान हमें दिए हुए हैं।
बस इसमें डालना है। तो एक में आपके निकाल देते हैं, क्या निकला, L बराबर में A क्या है माइनस 18, वर्गमूल के अंदर माइनस 18 का वर्ग करेंगे तो कितना मिला 324। बी यानी 12 का वर्ग करेंगे वह क्या मिला 144, और सी यानी माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो वह क्या मिला 16। ठीक, जमा करने पर आप पाएंगे ये क्या मिला माइनस 18 बटे में वर्गमूल 484, और ये किसका है यानी 484 का अगर हम वर्गमूल निकालें या फिर 484 किसका पूर्ण वर्ग है तो वो क्या आएगा 22। ठीक, तो माइनस 18 बटे में 22, और इसे हल करने पर आप पाएंगे 9/11। ठीक, यानी हमने L का मान निकाल लिया, इसी प्रकार आप M और N का मान निकाल सकते हैं, तो ये आप निकालेंगे। ठीक, आइए अब अगला प्रश्न देखें। एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, जिसमें शीर्ष ए क्या है 3, 5, -4, बी का शीर्ष -1, 1 और 2, और सी -5, -5 और -2। मैं ए बी भुजा का दिक् कोसाइन निकालूंगी, बाकी दो के आप निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास यही हमारा फॉर्मूला है, तो हम क्या निकालें x2 - x1, तो सबसे पहले x2 - x1 निकाल लेते हैं, यानी -1, -3, वह क्या मिला -4। अब 1 - 5 मिले -4, 2 - -4 यानी 2 + 4 मिले 6। ठीक, तो इसे हमें दिक् अनुपात ज्ञात हो गए हैं, वे क्या हैं इस भुजा एबी के, वह है -4, -4 और 6। अब हम पीक्यू निकालेंगे, पीक्यू क्या मिला x1 - x2 का पूर्ण का वर्ग यानी -4 का वर्ग, वह है कितना 16, ये भी 16, और ये कितना मिला हमें 6 का अगर हम वर्ग निकालें 36। ठीक, तो हम देखेंगे हमारे पास PQ वह क्या मिला 16 + 16 + 36, और ये हल करने पर आप पाएंगे ये किसके बराबर है 2 × √17 के। ठीक, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं दिक् कोसाइन भुजा AB के, और वह कितने हुए, क्या हुआ हमारा दिक् कोसाइन, वह है -4/2√17 -4/2√17 और 6/2√17। इसे सरल करेंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हम आप हमने इस पूरे सत्र में क्या क्या पढ़ा। हमने देखा एक रेखा की दिक् कोसाइन रेखा द्वारा निर्देशांकों की धन दिशा के साथ बनाए कोणों की कोसाइन होती है। यदि एक रेखा की दिक् कोसाइन LMN है तो उनके बीच में हमने संबंध भी देखा। दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करना हमने सीखा, वे क्या हैं जो अभी जिस पर आपने अभी उदाहरण देखा भी था। और हमने इस सत्र के अंदर यह देखा एक रेखा का दिक् अनुपात वे संख्याएं हैं जो रेखा के दिक् कोसाइन के समानुपाती होती हैं। यदि एक रेखा के दिक् कोसाइन L, M और N हैं तो हम और दिक् अनुपात हमें A, B, C दिए हैं तो हम दिक् कोसाइन को दिक् अनुपात के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको इस सत्र में समझ आया होगा, आनंद आया होगा। धन्यवाद।